हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अतुल्य दुनिया के एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों की विलुप्ति के बारे में। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है क्या होगा अगर सारे जानवर पृथ्वी से पूरी तरह से गायब हो जाएं, या मर जाएं, या फिर सिर्फ एक दिन के लिए गायब हो जाएं? हम बिना जानवरों के भी रह सकते हैं क्या? तो चलिए बिना किसी देर के जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो फ्रेंड्स, आइए हम सबसे पहले कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जानेंगे जिनका जीवन खतरे में है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के मुताबिक दुनिया भर में वन्य जीवों की अवैध तस्करी के मामले में अकेले 20% योगदान पेंगुलिन का है। ये एक ऐसा जानवर है जिसकी तस्करी पूरी दुनिया में सबसे अधिक हो रही है। खास तौर पर चीन में इस जानवर का अधिक डिमांड है क्योंकि इसके खाल और मांस से पारंपरिक मेडिसिंस बनाई जा रही हैं। पेंगुलिन बहुत ही शर्मीली प्रवृत्ति का जीव है जो धरती पर लगभग 60 मिलियन सालों से पाए जाते हैं। ये जीव चींटियां खाकर गुजारा करते हैं। शरीर पर कड़ी और सुनहरी भूरी स्केल्स वाले इन जीवों का मांस भी खूब शौक से खाया जाता है। 1 किलो पेंगुलिन के मांस की कीमत करीब 27,000 रुपीस तक होती है। वेट मार्केट में दूसरे कम कीमत के सस्ते जीवों के साथ पेंगुलिन नहीं बिकता, बल्कि महंगे रेस्टोरेंट्स ही इसे बेचते हैं या फिर पकाते हैं। वहीं इस जीव का दूसरा सबसे बड़ा इस्तेमाल ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन बनाने में होता है। पेंगुलिन के मांस से अलग दवाएं बनती हैं, तो इसके स्केल से अलग किस्म की दवा बनती है। हर दवा का उपयोग अलग अलग बीमारी के लिए होता है। पेंगुलिन के स्केल्स यानी शरीर की पूरी कड़ी परत से बनने वाली दवाएं चॉकलेट के बार की तरह दिखती हैं, लेकिन काफ़ी कठोर होती हैं। इसे गर्म पानी या अल्कोहल में घोलकर पिया जाता है। सावला मृग की एक प्रजाति है जो मूल रूप से उत्तर मध्य वियतनाम और लाओस की सीमा पर जंगलों में पाई जाती हैं। वे दुनिया में सबसे हाल ही में खोजे गए बड़े स्तनधारियों में से एक हैं, लेकिन अब उन्हें सबसे रेयरेस्ट एनिमल में से एक माना जाता है। सावला इतना अनोखा जानवर है कि 1992 में उनकी खोज के बाद उन्हें अपना खुद का एक टैक्सोनॉमिक समूह दिया गया था। आज भी वास्तव में सावला के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। सावला को एशिया यूनिकॉर्न के रूप में भी माना जाता है। सावला एक शाकाहारी जानवर है जो एक ऐसे आहार पर जीवित रहता है जिसमें पूरी तरह से पौधे ही पौधे शामिल होते हैं। हालांकि उनके प्राकृतिक वातावरण में सावला पर बहुत कम रिकॉर्ड मौजूद हैं, लेकिन माना जाता है कि वे मुख्य रूप से अंजीर की पत्तियों और अन्य पेड़ और झाड़ियों पर फीड करते हैं जो नम नदी के किनारे उगते हैं, और वनों की कटाई और पहाड़ों के आधार के आसपास उपजाऊ निचली भूमि में बढ़ती आबादियों और बस्तियों के कारण उनकी संख्या में गिरावट आई है। नंबर 3 इज एडेक्स। एडेक्स, जिसे सफ़ेद मृग और स्क्रू हॉर्न मृग के रूप में भी जाना जाता है, एडेक्स मुख्य रूप से किसी भी उपलब्ध झाड़ियों, फलेदार जड़ी बूटियों और झाड़ियों की घास और पत्तियों को खाता है। अपने रेगिस्तानी आवास में मौजूद रहने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित है क्योंकि वे लंबे समय तक पानी के बिना भी रह सकते हैं। एडेक्स 5 से 20 सदस्यों का झुंड बनाते हैं। उनका नेतृत्व सबसे बुजुर्ग महिला करती है। एडेक्स मृग एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति है, यानी कि एक रेयरेस्ट एनिमल है। नंबर 4, गोबी बियर। गोबी एक उदास जगह है। विशाल रेत की टीले, बर्फ से भरी घाटी, न्यूनतम वर्षा, तेज हवाएं और गर्मियों में 46 डिग्री सेल्सियस से लेकर सर्दियों में 40 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान का मतलब है कि इस जगह पे कोई भी जीवित नहीं रह सकता, और अगर रहता भी है तो ये बेहद ही आश्चर्य की बात है। गोबी बेयर दक्षिण पश्चिमी मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान में रहते हैं। गोबी बेयर कम भोजन की उपलब्धता और गोबी रेगिस्तान के कठोर एनवायरनमेंट में भी सुपरबली अडेप्टेड हैं। सो फ्रेंड्स, हमने और आपने बहुत कुछ जान लिया रेयर एनिमल्स के बारे में, और अगर आप सभी को इन एनिमल्स के बारे में पहले ही पता था तो हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ।